ये सिम्बा है और यही वजह है, ये रीज़न है मेरी सिम्बाज पेट केयर की। ये मेरे सबसे ओल्डेस्ट कैट है, मतलब मेरा फर्स्ट पेट है ये सिम्बाज पेट केयर। एक्चुअली एक कैट बोर्डिंग है जो कि जिनके पेट्स होते हैं उनको अगर ओनर को जाना पड़ता है फॉर सम रीज़न, आउट ऑफ टाउन है या किसी भी, अगर कोई भी उनको परेशानी होती है कि उनके कैट्स को लुक आफ्टर करने के लिए नहीं होता, तो वो हमारे बोर्डिंग पे अपनी कैट्स को छोड़ के जाते हैं, जिसके अंदर हमारी जो हमारी सर्विसेज हैं उसके अंदर उनका फूड, उनका लिटर, हम वो सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। कुछ लोग जो हैं दिनों के हिसाब से भी छोड़ के जाते हैं, कुछ लोग महीनों के हिसाब से भी छोड़ के जाते हैं, डिपेंड करता है। तो एक्चुअली कैट बोर्डिंग ये है। मेरी फ्रेंड ने मुझे देखा काफ़ी कि आप बहुत अच्छा केयर करती हो, सब कुछ है, तो उसके अलावा तो कहने आप देखो इसके ऊपर, आप कोशिश करो। फिर उसके बाद मैंने इसको देखा जब के और भी कैट बोर्डिंग्स हैं कराची में भी काफ़ी लोग करते हैं, और तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं भी स्टार्ट करूं और अपनी हॉबी को एज अ बिज़नेस मैं एक्सटेंड करूं। तो बस फिर मुझे यहाँ से आइडिया आया, कोई कस्टमर जैसे मुझे अप्रोच करता है थ्रू फेसबुक हो या किसी के रेफरेंस से हो, तो उसका हमारा कुछ रूल्स हैं जो कि उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है, जिसमें सबसे पहले मुझे ओनर का NIC कॉपी चाहिए होता है, उनका करंट होम एड्रेस चाहिए होता है। अब आते हैं पेट के ऊपर। पेट जो है सबसे पहले वैक्सीनेटेड होनी चाहिए, डीवॉर्म्ड होनी चाहिए, और क्या कहते हैं हेल्दी हो, कोई डिजीज़ ना हो, और लिटर ट्रेंड हो। आने से पहले मैं ओनर को बोलती हूँ कि जो के हमारे वेट हैं, यानी जो सिम्बाज पेट केयर के वेट हैं, तो उनसे मैं उनको बोलती हूँ कि आप अपनी कैट को मेडिकल चेकअप उनका करवा के लेकर आइए, जिसके अंदर वो ओवरऑल उसकी हेल्थ को देखते हैं और वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, जो कि उसके बग़ैर मैं कैट्स को नहीं इन करती। उसकी वजह ये है कि समटाइम ऐसा होता है कि कोई कैट मिसाल के तौर पर आप छोड़ के जाते हैं, तो उसके अंदर कोई भी होता है, क्योंकि अक्सर जो लोगों को जल्दी होती है कि जी कल हमारी फ़्लाइट है, हमने जाना है, और उसमें यह है कि हम माँ छोड़ने आ रहे हैं या जो भी है सारी चीज़ें, तो उसमें होता क्या है कि अक्सर उनको ये नहीं पता होता कि उनकी कैट में कोई डिजीज़ है, और समटाइम ऐसा होता है कि वो कुछ लोग झूठ भी बोल देते हैं कि वैक्सीनेटेड नहीं है। तो उसमें ये चीज़ होती है कि क्योंकि मेरे पास और भी कैट्स होती हैं बोर्डिंग में, तो वो उनके लिए भी हार्मफुल है, फिर मेरे इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है कि आप, और ये बहुत जल्दी स्प्रेड होती है कैट्स, यानी एक से दूसरी में बहुत जल्दी जो है ये सारी डिजीज़ स्प्रेड होती हैं, क्योंकि होता ये कि एक से डेढ़ दिन लेती हैं कैट्स जो है एडजस्ट होने में, उसके बाद फिर जब वो सेम जगह को शेयर करते हैं आपस में, तो उसमें ये होता है कि सेम एक दूसरे के बोल में पानी भी पी लेते हैं, फूड भी शेयर कर लेते हैं, तो उसमें वो मतलब इस तरह से उनके जो डिजीज़ हैं वो ट्रांसमिट होती है। अभी तो सिर्फ सिम्बाज पेट केयर में जो है मैं कैट और किटन की बोर्डिंग प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेड स्पेस है। एट अ टाइम मेरी बोर्डिंग में कम से कम आराम से मतलब 10-15 कैट्स आ जाती हैं, डिपेंड करती हैं, क्योंकि कुछ ऐसी होती हैं कैट्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं, तो मैं उनको देखते हुए, उनकी नेचर को देखते हुए मैं कैट्स को मतलब लेती हूँ बोर्डिंग पे। पर कैट पर डे के हिसाब से मैं चार्ज करती हूँ, जिसमें कोई स्पेसिफिक मैं कोई लिमिट नहीं है। उसमें ये है कि डिपेंड करता है कि आप क्या सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं। अगर आपकी एक कैट है और वो उसकी कोई स्पेशल नीड्स हैं, और कि वो ऐसे नहीं मतलब रहती, या वो उसको ज़बरदस्ती मतलब वो पानी नहीं पीती तो उसको पानी पिलाना पड़ता, तो उसके हिसाब से मतलब मेरी सर्विसेज हैं उसके हिसाब से कि जैसे आपकी जो आप चाहते हैं मैं वो ही आपको सर्विसेज दूंगी, बट उसके हिसाब से मैं आपको चार्ज करूंगी। सिम्बाज पेट केयर पे जब कोई कैट बोर्डिंग पे आती है, तो जब वो जा रही होती है, तो उसके साथ हम उसका एक बिहेवियर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम बताते हैं कि वो कैसी थी, कैसी रही, उसका बिहेवियर कैसा रहा हमारे साथ या बोर्डिंग में दूसरी कैट्स के साथ। तो ये सर्टिफिकेट एक देते हैं, साथ में हम एक गिफ्ट उनको देते हैं।